अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने पर जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट होगा। सभी कलेक्टर, सीएमएचओ, सिविल सर्जन को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर जिले में जीनोम सिक्वेंसिंग भेजा जाएगा। सैंपल आईसीएमआर के माध्यम से टेस्ट के लिए दिल्ली भेजेंगे। ट्रैक ट्रीट की रणनीति से ओमिक्रॉन का मुकाबला प्रदेश सरकार करेगी। ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट हुआ है। नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और उसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट हुआ है, जो नया क्रोम है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसको लेकर सभी तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूनम, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जब जैसे ही देश में दो मामले सामने आए हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने वाले हर मरीज का जीनोम सीक्वेंस टेस्ट कराने की बात मध्य प्रदेश में कही जा रही है। जिस तरीके से सभी जिले के कलेक्टर्स हों, चाहे सीएमएचओ हों, सिविल सर्जन हों, सभी को निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से कि हर जिले में जीनोम सीक्वेंस सैंपल जो है वो लिए जाए और सरकार को भेजे जाए। तो जीनोम सीक्वेंस जो का सैंपल है वो आईसीएमआर के माध्यम से टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली में उनके परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो मरीज सामने आए हैं और जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि नए जो वेरिएंट के मामले जो है वो ज्यादा निकल कर सामने ना आए, उसके लिए हरसंभव प्रयास ये भी किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं कोरोना के समय अधूरी रह गई थी, या ये कहें कि कोरोना के लिए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसमें कोई परेशानी लोगों को ना हो। साथ ही साथ जो सीक्वेंस टेस्ट की बात कही जा रही है उसके अलावा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति भी ओमिक्रॉन के मुकाबले के लिए प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। ऐसे में हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से है कि जब ओमिक्रॉन के मामले अगर मध्य प्रदेश में बढ़ते हैं या फिर सामने आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हों। इन व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सारे प्रयास सरकार कर रही है। जी दुष्यंत जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, अब जो है मध्य प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट है। जो ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं उसको लेकर अब ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो उससे टेस्ट किया जाएगा और इसके सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाएगी सरकार जांच के लिए। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश में अब अलर्ट जारी कर दिया गया। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किया जाएगा। कलेक्टर, सीएमएचओ ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं, हर जिले से जीनोम सीक्वेंसिंग का सैंपल भेजा जाए। सैंपल आईसीएमआर के माध्यम से दिल्ली भेजेंगे। ट्रैक ट्रीट की रणनीति पर अब काम किया जाएगा।